वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि दिसंबर 2023 के में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ है। इस पेपर में 75 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं और पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें 2 घंटे का समय दिया गया था और 65 क्वेश्चंस एक स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने थे। 10 क्वेश्चंस की चॉइस है। लास्ट ईयर ये चॉइस 25 क्वेश्चंस थी लेकिन इस साल ये चॉइस को 25 क्वेश्चन से घटा के 10 क्वेश्चंस कर दिया गया था यूनिवर्सिटी द्वारा। चलिए डायरेक्टली चलते हैं पेपर पे और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए इस पेपर में। जहां तक मैंने इस पेपर को रिव्यू किया है, पेपर बहुत इजी लेवल का पेपर है। पहला क्वेश्चन है 23 डेसिमल में है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया लेकिन ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसमें गलत दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन ये रहा जिसमें आप देखिए 23 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर ना बच जाए, और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए तो हमें नीचे से ऐसे काउंट करते हुए जाना है और यहाँ पे काउंट नंबर को लिखते जाना है, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 और लास्ट में 1, उसके बाद इसके आगे 2 लिखा है क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, लेकिन जो भी इसमें आंसर की में दिए हुए 4 ऑप्शन, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर जो हमने निकाला है ये होगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली गलत है, इसके मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे या इस क्वेश्चन इस पेपर में से जो भी स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेगा उसको 1 नंबर मिलेगा या जो भी मार्क्स फ्रैक्शन में अलॉट किया जाएगा, क्योंकि पेपर 65 क्वेश्चन करने थे इसलिए। सेकंड क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का है, बहुत सिंपल है, जिन्होंने 12th में मैथ्स पढ़ा है उनके लिए तो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान है। इसमें आपको लिमिट दी गई है 1 to 2 और x3 को आपको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। मैंने इसका सॉल्व किया, ये रहा इसका सॉल्यूशन। एक फॉर्मूला होता है जिसमें x की पावर 3 + 1, जो x की पावर है उसमें +1 और उसको डिवाइड करते हैं उसकी पावर से ही, प्लस कांस्टेंट होता है, तो जो आंसर होता है वो ये आता है, ये x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। अब क्योंकि इसमें लिमिट दी हुई है तो हम लिमिट को लगाएंगे, अगर तो लिमिट लगाएंगे 1 और 2, तो पहले 2 लगाएंगे, 2 की पावर 4, x की जगह सिर्फ 2 रखना है और माइनस करके दोबारा से x की जगह 1 रखना है क्योंकि लिमिट 2 और 1 थी। तो इस जो ये इक्वेशन बनी इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 15 / 4। तो इसका जो ए आंसर है वो हमारे इस आंसर से मैच करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड ट्रैक बॉल। तो जो मॉनिटर होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं होता, वो सिर्फ वो डाटा दिखाता है जो भी सीपीयू में हम रिकॉर्ड करते हैं या जो भी हम काम करते हैं, डाटा सेव करते हैं। मॉनिटर सिर्फ एक डिस्प्ले यूनिट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, वो इनपुट डिवाइस नहीं होता। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, 8 बिट के संग्रह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन पेपर पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहें वो हिंदी की तरफ क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं राइट साइड में, और इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे इस साइड में रीड कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ 8 बिट को हम कहते हैं अ बाइट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कंप्यूटर वाले चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। जैसा कि आपको पता है बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं जो हो सकते हैं पॉसिबल, 0101 01 01, कितनी बार भी लग सकते हैं, लेकिन जो ये लास्ट के 3 डिजिट ये ऑप्शंस हैं इसमें 10101 1101, ये सब बाइनरी नंबर है। सिर्फ ये नंबर है जो बाइनरी नहीं है क्योंकि इसमें 2 आ जाता है, बाइनरी में 2 होता ही नहीं है, ये डेसिमल का पार्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल इक्विवेलेंट, यानी कि आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है और आपको इसका डेसिमल में जो नंबर आता है वो बनाना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। ये कैसे सॉल्व किया अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी कंप्यूटर जो चैप्टर है 7th और 8th चैप्टर है इसका, इस फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का, तो वो आप वीडियो जाके देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये सॉल्व करके कैसे आता है। वहां डिस्कस किया हुआ है मैंने न्यूमेरिकल्स को, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस बाइनरी सिस्टम इज। तो आपको बेस बाइनरी सिस्टम बताना है, ये होता है टू, क्योंकि इसमें केवल जीरो और वन ही होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो इनमें से जो भी नीचे दिए हुए, इसमें से कौन सा टाइप है जो कंप्यूटर का मेमोरी का पार्ट नहीं है? इसका आंसर होगा सीपीयू, क्योंकि जो बाकी पार्ट्स हैं वो सब मेमोरी के पार्ट है। रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम का मतलब होता है रीड एक्सेस मेमोरी, और कैचे एक मेमोरी पार्ट होती है जो हिस्ट्री किसी भी ब्राउजर में आप देख सकते हैं। तो जो सीपीयू होता है वो मेमोरी का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर कंपोनेंट स्टोर डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो आपको पता है जो हार्ड डिस्क होता है उसमें डाटा स्टोर होता है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है या लाइट चली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई वुड बी। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। आयोडीन का कैटायनिक फॉर्म है, एनायनिक फॉर्म है और एक नॉर्मल फॉर्म है आयोडीन का। तो इसमें देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका जो साइज होता है वो बड़ा होगा, और जो पॉजिटिव होगा उसका साइज छोटा होगा, और जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होगी इन बिटवीन। तो इसका आंसर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है विच मॉलिक्यूल हैज टी शेप स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से रिलेटेड इस पेपर में 6 से 7 या हो सकता है 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आप सिर्फ ये एक टॉपिक पूरा कर लें जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता हो और ये पता हो कि उसका शेप कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने एक छोटा सा 5-6 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, अपनी अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसे देख लीजिए। लिंक पे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप ये 7-8 क्वेश्चन इजिली आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो टी शेप होता है वो होता है Cl F3 का। कैसे निकाला मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। आप वो वीडियो जाके देख लीजिए जिन बच्चों को नहीं आता कि शेप कैसे निकालते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कैटायन। आपको बताना है कैटायन कौन सा स्मॉलेस्ट है। सबसे छोटा कैटायन है Al3+। अगला क्वेश्चन फिर से हाइब्रिडाइजेशन से ही है। ज्योमेट्री ऑफ IF7 मॉलिक्यूल, जहां पे आपको इसकी ज्योमेट्री बतानी है, शेप बतानी है। तो ये भी क्वेश्चन आप उस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से इजीली कर पाएंगे। ज्योमेट्री ऑफ IF7 मॉलिक्यूल होती है पेंटागोनल बाइपिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस कंपाउंड हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल वाटर का 107 के आसपास होता है, 104, 107, B1। तो इसका आंसर होगा BeCl2, जो कि 180 डिग्री एंगल होता है। BF3 का 120 के आसपास होता है, 110 के आसपास होता है। तो BeCl2 होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटम इज नॉट शोन बाय। तो आपको बेसिकली इसमें ये देखना है कि किसमें पैरामैग्नेटिज्म नहीं शो करता है। तो जो Oxygen-2- होता है इसके एंटीबॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो नॉर्मल O2 होता है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से उसका कलर लाइट ब्लू कलर का होता है। तो अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए जाएं तो वो जो एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग के बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो मैग्नेटिज्म बिहेवियर है वो चला जाता है और उसमें वो डायमैग्नेटिक बन जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 0 डायपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। CCl4 इसका आंसर होगा, जिसका कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो CO होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर रहे हैं इसके लिए कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस भी किए हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप जिस भी चैप्टर से ये क्वेश्चन है उसकी वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने इसका डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं BSc 1st सेमेस्टर की। अगला क्वेश्चन है विच ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल हैज 25% एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। 25% कैरेक्टर होता है sp3 में। सिंपली आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऑप्शन सी जो टेट्राहेड्रल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका होगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से शेप के ऊपर आ गया है। अमंग द फॉलोइंग द स्पीसीज हैविंग सीसा शेप इज SF4 होगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉल स्मॉलेस्ट बोन लेंथ, सबसे छोटी बोन लेंथ किसकी है? तो इसमें भी आपको बस ये देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है किसका कम है। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। ओ टू टू नेगेटिव की सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन है, इसका आंसर है BF3 जिसकी जीरो डायपोल मोमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन, तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इसकी होती है। नेक्स्ट, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन इज इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में ये होते हैं? तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होता है, सोडियम से भी ज्यादा, एल्यूमिनियम से ज्यादा, सिलिकॉन से ज्यादा, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से ज्यादा और इधर सिलिकॉन ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे छोटा होता है सोडियम प्लस। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल इन N2 हैज लीस्ट एनर्जी। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, अगर आपने MOT पढ़ा है तो सिर्फ आपको नाइट्रोजन का MOT वाला डायग्राम बनाना है, उसमें चेक करना है सबसे नीचे एनर्जी में कौन सा आ रहा है। तो जो पी वाले ऑर्बिटल हैं वो सिग्मा से नीचे नहीं होते, सबसे नीचे होता है सिग्मा 2s इन कंपैरिजन टू अदर थ्री ऑप्शंस। तो इसका सॉल्यूशन है आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार, फिर ये 2s का सिग्मा स्टार, और ये नहीं, ये सिग्मा और ये 2s का सिग्मा स्टार, तो ये नीचे है, पाई के इसके ऊपर ही शुरू होते हैं, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला ये है इन कंपैरिजन टू अदर थ्री ऑप्शंस। नेक्स्ट है, द शेप ऑफ SO4 आयन इज, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रल शेप होती है सल्फेट आयन की। 5 से 6 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन और शेप के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सल्फेट की तरह मॉलिक्यूल जो ये होता है टेट्राहेड्रल होता है। कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये हम 11th में ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्रेफाइट होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और डायमंड जो कार्बन की फॉर्म होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज होती है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर MOT के बेस पे इसका जो ऑर्डर निकल के आता है वो आता है 3, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच मॉलिक्यूल, पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसमें होता है? H2, Cl2, O2, इन तीनों में नहीं होता, सिर्फ HCl में होता है ये बॉन्ड। द बॉन्ड ऑर्डर इन N2+ आयन इज, इसका आंसर है 2.5, ये MOT से निकाला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है? O2 2 नेगेटिव, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आई थिंक क्वेश्चन रिपीट टाइप है। ऑक्सीजन के ऊपर ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आउट ऑफ 33 क्वेश्चन। इन सॉलिड आर्गन द एटम्स आर हेल्ड टूगेदर बाय, सॉलिड आर्गन के अंदर जो एटम्स होते हैं आर्गन के, वो वंडरवाल फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि जो साइज और एनर्जी होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? एल्यूमिनियम 3+ की। विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट, इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? बेरिलियम क्लोराइड। द शेप ऑफ XeOF2, ये क्वेश्चन भी शेप का है और इसका आंसर होगा टी शेप्ड। विच हैज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, आप इस बॉन्ड ऑर्डर को अगर निकालेंगे तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी, H2 नेगेटिव। आपको यहां निकाल के दिखाया भी हुआ है MOT के बेस पे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, चारों ही केस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा 3, 1, 1 एंड हाफ। तो H2 नेगेटिव के केस में ये हाफ या फिर 0.5 आप कह सकते हैं, तो फ्रैक्शनली इसे ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल डाई मिथाइल ईथर का
जो होता है आइसोमर होता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन डाइथाइल ईथर भी दिया हुआ है, जल्दबाजी में ये आंसर भी कई बच्चे लगा देते हैं। इसका आंसर होगा डाइमिथाइल ईथर। आइसोमर का मतलब होता है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो भी है वो सब इक्वल होने चाहिए दोनों फॉर्म्स में। नेक्स्ट है पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन। पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे। आपने सुना होगा लाइक डिजोल्व लाइक का फॉर्मूला। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं, और पोलर जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होती है? इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट की तरफ जाते हैं तो बढ़ती है। प्लस आई इफेक्ट CH3 सोन करता है। होमोलिटिक फ्यूजन जब होता है कोवलेंट बॉन्ड का तो रेडिकल्स बनते हैं। होमोलिटिक का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों के पास, जिससे कि रेडिकल फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव ऑफ SN1? SN1 वो रिएक्शन होता है जिसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है पहले, उसके बाद उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और जितना ज्यादा हिंडर्ड होगा उतना ज्यादा वो SN1 देगा, जितना कम हिंडर्ड होगा उतना ज्यादा वो SN2 रिएक्शन शो करेगा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल? इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है? CH3 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हैं तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। NH3 जिसके पास लोन पेयर होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। कार्बोकेटायन कंटेन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? तो कार्बोकेटायन में होता है SP2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है, उसमें इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरा में वो पॉसिबल नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमर विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। तो जो आइसोमर्स होते हैं उनको सिंगल बॉन्ड रोटेशन कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनायन कंटेन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? तो जो कार्बोकेटायन होता है उसमें SP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जो कार्बोअनायन होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है SP3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? नाइट्रोजन के ऊपर देखो लोन पेयर होता है, और उस नाइट्रोजन को जो जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करे या फिर इलेक्ट्रॉन और दे सके वो उसे बेसिक बनाएगा। तो जो CH3 होता है जितने ज्यादा लगे होंगे उतना ज्यादा बेसिक होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14 के आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाते हैं। इसका जो आंसर है वो है B5 होते हैं। कैसे होते हैं आपके सामने ये रहा, राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भाई इसके पांच जो अलग अलग आइसोमर्स हैं वो ये पांच आइसोमर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म बिटवीन CH3 CH2 CH2OH एंड CH3O C2H5 इज, बेसिकली एक ईथर है और एक अल्कोहल है, इस तरह के आइसोमर्स आइसोमेरिज्म फिनोमिना को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग, इसमें जस्ट पाई बॉन्ड को काउंट करना था, इसका आंसर है 4। पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? 4 कैसे हैं? क्योंकि दो पाई बॉन्ड यहाँ पर हैं और जो C और N के बीच में दो पाई बॉन्ड यहाँ होंगे। विच इज सोल्यूबल इन वाटर? वाटर में कौन सा सोल्यूबल होगा? सोल्यूबल होगा पैरानाइट्रोफिनोल, क्योंकि ऊपर के जो दोनों हैं वो नॉन पोलर हैं, और जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो डिजोल्व नहीं हो सकता है, सोल्यूबल नहीं है। नेक्स्ट है, द मोस्ट अनस्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज। मोस्ट अनस्टेबल कन्फर्मेशन होती है हाफ चेयर फॉर्म को, मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर C4H9Br? इसका आंसर है 4, ऑप्शन सी। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस, 1, 2, 3, 4। एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जो इसका सेकंड आइसोमर है ये डी और एल फॉर्म में भी होता है, तो इसके अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता है बेसिकली ये, तो इसके पांच आइसोमर हो सकते हैं अगर यहाँ पे स्ट्रक्चरल नहीं लिखा होता तो। ये केवल स्ट्रक्चर से पूछ रहा है तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे चार ऑप्शन है, अगर ये टोटल आइसोमर्स पूछता तो उसके आंसर फिर इसका पांच होता, क्योंकि इसके
इसके दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन विल बी मोस्ट स्टेबल। तो जो ऑप्शन डी है वो है एलाइलिक फॉर्म। एलाइलिक फॉर्म टर्शियरी कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? 2-butene, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी। आपको ऑप्शन डी है जो इसका करेक्ट आंसर है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें CH3NH2, सेकंड है CH3OH और लास्ट है CH3F। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें आपको दो पेयर दिए हुए हैं और पूछा है कि बताइए इनेंशियोमर है, डायस्टेरोमर्स है या होमोमर है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बेसिकली होमोमर है। आप इनके अगर डिस्क्रिप्टर्स निकालेंगे, RS अगर निकालेंगे इसमें, तो दोनों का ही S आएगा, जिससे पता चलता है कि ये होमोमर्स है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस अ कायरल सेंटर। देखिए, पहले में तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ से, दूसरे में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और तीसरे में भी है और चौथे में भी है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर, ये होगा कायरल। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज मोस्ट एसिडिक। तो जो एल्काइन्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रियोफॉर्म। तो जो पहला है, थ्रियोफॉर्म की कुछ कंडीशंस होती हैं, आप स्टीरियोकेमिस्ट्री का वीडियो देख लीजिए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। ऑप्शन बी है इसका आंसर, जिसके अंदर ये थ्रियोफॉर्म है, ऊपर अलग ग्रुप लगा है, नीचे अलग ग्रुप लगा है, और ये अपोजिट साइड में है, OH और H एक दूसरे के। तो ये होगी इसकी थ्रियोफॉर्म। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन जेड आइसोमर। जेड का मतलब होता है सिस कॉन्फिगरेशन। तो इसमें अगर हम यहां देखें, 1 2, इसको 1 2, तो जो पहला ऑप्शन है यही इसका आंसर है, सिस फॉर्म। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर है इसका। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज। तो जो बेंजीन होता है उसके अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड इज द ग्रेटेस्ट। तो CH3 NH3 H2O, इन सब में 100 से लेके, मतलब 104.5 से लेके 109 के बीच में एंगल होता है। सिर्फ SO2 है जिसमें एंगल 120-119 के आसपास होता है, या 120 होता है, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो सबसे ज्यादा इन चारों में तो SO2 का होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3OH का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल हो पाती है, बाकी सबका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। FHF, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा मजबूत होती है। डाइपोल मोमेंट ऑफ विच कंपाउंड इज मिनिमम। सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है ऑप्शन बी का, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट स्टेबल। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा इनमें से? ये होगा सबसे लीस्ट स्टेबल, साइक्लोब्यूटाडाइन। द यूनिट दैट परफॉर्म्स दैट मैथमेटिकल फंक्शन। तो जो यूनिट मैथमेटिकल फंक्शन फॉलो करती है उसे कहते हैं हम ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा हुआ है, इसमें क्या करना होता है? n को आगे लाना होता है और log m as it is लिखा जाता है, तो n log m, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम का सॉफ्टवेयर क्या है? जो लाइनक्स होता है वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। इसकी जगह विंडो भी यूज की जाती है, लाइनक्स भी यूज की जाती है। जो बाकी तीनों है ये एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हमने 75 क्वेश्चन थे, सबके सब डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। बाकी अदर टॉपिक्स पे बात, मतलब वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। धन्यवाद।